एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेव हार्टली। दोस्तों, मैंने डीआईवाई एंड क्राफ्ट्स तो बहुत बना लिए हैं, उसे रखने के लिए आज हम वुडन हैंगिंग शेल्फ बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, आप भी इसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें बस दो चीज की जरूरत है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है वुडन प्लाई बोर्ड। अगर आपके पास यह प्लाई बोर्ड नहीं है तो आप इसकी जगह एमडीएफ बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई लाइट वेट का चीज हैंग करना है तो आप कार्डबोर्ड का दो तीन लेयर कट कर ले और उसे आपस में स्टिक करके उसके ऊपर आप कोई पेपर स्टिक कर ले, या फिर वॉल पुट्टी या पीओपी का पेस्ट बना के उस पर अप्लाई करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं। प्लाई बोर्ड के साइड और कॉर्नर रफ है तो इसे स्मूथ करने के लिए मैं पॉप्सिकल स्टिक या फिर आइसक्रीम स्टिक आप बोल सकते हैं उसका यूज करके इसे स्मूथ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसे रब करते हुए स्मूथ कर रही हूँ। अगर आपके पास सैंड पेपर है तो आप सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास सैंड पेपर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पॉप्सिकल स्टिक का यूज किया है। तो बोर्ड पे जहाँ जहाँ रफ पार्ट है उसे आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से रब करते हुए मैं स्मूथ कर लूंगी। जहाँ जहाँ रफ कॉर्नर थे उसको मैंने स्मूथ कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ जूट रोप। आप जूट रोप की जगह मैक्रम भी ले सकते हैं या फिर आपके पास जो भी रोप अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। मैं जो रोप यूज कर रही हूँ वह काफी थिक है। अगर आप कोई पतला रोप यूज कर रहे हैं तो आप दो रोप को पहले गूंथ लें उसके बाद यूज करें। जितनी हाइट में हमें इसे हैंग करना है उस हिसाब से हम रोप को मेजर कर लेंगे और ध्यान रखें जो हम वुडन बोर्ड यूज कर रहे हैं उसकी चौड़ाई को भी हम लेंथ में इंक्लूड करेंगे। वीडियो देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह हमें रोप को मेजर करना है। आप चाहे तो ड्रिल मशीन की हेल्प से बोर्ड के चारों कॉर्नर पे आप होल्ड करके भी इसे हैंग कर सकते हैं। अप्रोक्स 1.5 मीटर की लंबाई का मैंने यहाँ रस्सी कट कर लिया है। सेम लेंथ का हम एक पीस और रस्सी का ले लेंगे। रस्सी को हैंग करने के लिए मैं यहाँ वुडन बैंगल का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी सर्कुलर बेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास पुराने कर्टिन का या हुक है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर सेलो टेप खत्म होने के बाद उसका जो कार्डबोर्ड का बेस बचता है उसमें भी आप रोप लपेट के यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ बैंगल के बीच में रस्सी डाल रही हूँ और इसे बराबर कर लेना है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसे बराबर कर रही हूँ। सेम ऐसे ही दूसरी रस्सी को भी हम डालेंगे और उसे भी बराबर कर लेंगे। रोप को बैंगल में डालने के बाद हम इसके ऊपर साइड दूसरी रस्सी से टाई करेंगे। तो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर का रोप लिया है, आप कोई भी रोप यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह मैं ऑरेंज कलर के रोप को फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे ही आपको भी फोल्ड करना है और उसके बाद हमें जहाँ इसे टाई करना है उसके ऊपर इसको रख देंगे और उसके बाद जो ऑरेंज कलर का रोप का लंबा वाला साइड है उसे हम रोल करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसे रोल कर रही हूँ और जितना नीचे तक आपको रोल करना है उतना नीचे तक आप कर सकते हैं। रोल करने के बाद हम रस्सी को जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसमें डालेंगे और रस्सी को हम अच्छी तरह खींच लेंगे। हमें इसे बहुत टाइट खींचना है ताकि यह बाद में खुले नहीं। हमने जो रस्सी टाई किया है उसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे ताकि जो बैंगल वाला हुक हमने बनाया है वह हिले नहीं। चारों तरफ आप ऑरेंज कलर की रस्सी पे देख सकते हैं, कोई गांठ आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इस मेथड से रस्सी को टाई किया है ताकि कोई भी गांठ ना दिखे। अब ऑरेंज कलर का जो एक्स्ट्रा रोप है उसे हम कट कर लेंगे। अब रस्सी के नीचे साइड गांठ लगाएंगे तो मैं यहाँ नीचे थोड़ा सा रस्सी छोड़कर गांठ लगा रही हूँ। मुझे नीचे हैंगिंग वाला लुक देना है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे रस्सी छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो एकदम नीचे भी नॉट लगा सकते हैं। मैं लगभग 5 से 6 इंच जितना रस्सी छोड़ रही हूँ और उसके बाद मैं नॉट लगा रही हूँ। दूसरी रस्सी पे भी हम सेम लेंथ में नॉट लगा लेंगे। जो वुडन बेस मैं यूज कर रही हूँ उसके जो साइड्स हैं वह दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसे हाइड करने के लिए मैं रोप का यूज कर रही हूँ और ग्लू गन की हेल्प से मैं इस रोप को स्टिक कर लूंगी। के एंड को सिक्योर करने के लिए मैं ग्लू गन लगा रही हूँ ताकि रोप बाद में खुले नहीं। सेम इसी मेथड से मैंने इसे रोप से कवर कर लिया है। मैंने इसको 3 साइड से कवर किया है। इसके बैक साइड मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि यह वॉल से हाइड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए रस्सी के बीच में मैं ऑरेंज रोप लगा रही हूँ और इसे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ।
ऐसे ही एक और ऑरेंज कलर का रोप हम इस पे लगा लेंगे। बेस बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हैंग करने के लिए हम इसके रोप को भी रेडी कर लेते हैं। तो रोप का जो नीचे एक्स्ट्रा रस्सी हमने छोड़ा था उसे हम खोल लेंगे। एक साइड का रस्सी मैंने खोल लिया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी रस्सी खोल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी रस्सी को भी नीचे से खोल लेंगे। रोप से बना हैंगिंग भी बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हैंग करने का मेथड देख लेते हैं। तो जो एक साइड का रोप है उसे एक साइड के प्लाई के नीचे रखेंगे और दूसरे साइड का रोप है उसको हम दूसरे साइड के प्लाई के नीचे रखेंगे और कुछ इस तरह हम इसे हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद यह कुछ ऐसा लग रहा है और यह दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। नीचे जो रोप की हैंगिंग है उसे हम इक्वल साइज में ट्रिम कर लेंगे। इसमें मैं यह बुद्धा का स्टैचू डेकोरेट करने के लिए रख रही थी, लेकिन यह स्टैचू रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यह बहुत हैवी है और जो मैंने बैंगल का हुक बनाया है वह इसका वेट सह नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं यह बैंगल टूट गया है और लकीली वह स्टैचू बच गया है। इसमें मैं स्ट्रॉन्ग हुक बनाने के लिए रोप का ही यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पतला रोप यूज किया है, ताकि अगर आपके पास मोटा रोप नहीं है तो कैसे आप पतले रोप को भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं पतले रोप को एक सिंगल स्ट्रिंग में ट्विस्ट कर रही हूँ। हमें इसे एक साइड ट्विस्ट करना है और अच्छी तरह ट्विस्ट करने के बाद हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे और हाफ फोल्ड करने के बाद हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में फिर से ट्विस्ट करेंगे। रोप से स्ट्रॉन्ग हुक बन गया है। अब हम इसको डालकर नॉट लगा लेंगे। हमें इसमें टाइट नॉट लगाना है ताकि यह खुले नहीं। टाइट नॉट लगाने के बाद हमने जो ऑरेंज कलर का थ्रेड इस पे लगाया था उसको ऊपर के साइड पुश कर देंगे ताकि यह हुक हिले नहीं, और हुक का जो ऊपर एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब इसे हैंग कर लेते हैं। और हैंग करने के बाद आप इसके बेस के बैलेंस को एक बार जरूर चेक कर लें और इसके रोप को एडजस्ट कर लें। रोप को बहुत किनारे आप ना रखें, लगभग 1.5 इंच का गैप रखें। सब कुछ अच्छे से एडजस्ट करने के बाद मैं इस पे डेकोरेट कर रही हूँ प्लांटर, और प्लांटर का जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल हैंगिंग से ही मैच कर रहा है। और इस पे मैं अब रख रही हूँ सुंदर सा बुद्ध भगवान जी का स्टैचू। अब यह बिल्कुल परफेक्ट है और यह दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इसे अपने लिविंग एरिया में हैंग किया है और जो बुद्ध भगवान जी का स्टैचू है वह सोफा और कर्टन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।